मुस्लिम कयादत का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सारी जगह पर मुसलमान खड़े हो जाएं, ये कभी नहीं। अरे उन बेवकूफों और नादानों के किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आगे डायलॉग कर ले। इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को दीजिए। बी टीम वो है, हम लोग नहीं है। हमेशा तो आरोप आप लोग को लगता है कि बी टीम है आप। अरे उनको बोलना है बोलने दीजिए, अभी तो वही बी टीम हो गए हुए हैं। कि हम लोग जो है ये गुलामी का काम अब नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारी हिस्सेदारी को तेजस्वी यादव ने छीनने का काम किया है, हम पुरजोर विरोध करेंगे और इस बार विरोध करके उनको दिखाएंगे। मैंने राजपूत फैमिली से भी मुलाकात की है, मुस्लिम नौजवानों से किया है। वो घर की माटी और घर का बेटा इनका नारा है और यकीनन है कि राजपूतों का बड़ा समूह उनके साथ में है। आप लोग मुसलमानों के क़ियादत की बात करते हैं, पिछले लोकसभा से कि आपको एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नजर नहीं आया कि आप लोगों ने आप पूछ लीजिए। मुस्लिम कयादत का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सारी जगह पर मुसलमान खड़े हो जाएं, ये कभी नहीं। जाधवों ने जो अपनी कयादत खड़ी की है, सिर्फ जाधवों को टिकट दिया है क्या? सारे लोगों को दिया कि नहीं दिया है? हिंदुस्तान में हम जो सियासत करते हैं, हम दलित हिंदू मुस्लिम सबकी बात लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप आंखें खोलिए और देखिए कि सारे लोगों की अपनी सियासी जमात है। कोई एक ऐसी जमात हो जिसका मुस्लिम नेतृत्व करता हो? ये पहली जमात है बिहार में आपकी जिसका नेतृत्व मुस्लिम के हाथ में है और दूसरे उनका समर्थन कर रहे हैं। तो हमने बरसों तक दूसरे के नेतृत्व को अगर कबूल किया है तो हमारी नेतृत्व भी स्थापित होनी चाहिए, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये बाहरी लोग हैं, वो उनके मुकाबले में वो तो अपना वोट अपने को नहीं दे पाएंगे। जो ये बात कह रहे हैं वो क्या अपने निशान पर अपना वोट लगा सकेंगे? नहीं लगा सकेंगे। रारा रंगी तो लगाएंगे, उनके खानदान के लोग लगाएंगे, उनके रिश्तेदार यहाँ लगाएंगे। इसलिए ये लोग बाकी भी बातें कर रहे हैं। यहाँ के जनता, मैंने राजपूत फैमिली से भी मुलाकात की है, मुस्लिम नौजवानों से किया है। वो घर की माटी और घर का बेटा इनका नारा है और यकीनन है कि राजपूतों का बड़ा समूह उनके साथ में है। 100% तो किसी के साथ नहीं होता, राजपूत का बड़ा समूह उनके साथ में है। और वो सम्मानित नेता सीताराम बाबू के बेटे रहे हैं, जिनका सामाजिक और राजनीतिक एक बड़ा सरोकार रहा इस इलाके से, इसलिए उनको सम्मान भी मिल रहा है, वोट भी मिल रहा है। आप इतना रखिए, शिवहर की जनता से क्या अपील करेंगे सर? हम हिंदू मुस्लिम अगले पिछले सारे लोगों से गुजारिश करेंगे कि हमें से आपने हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया है, लेकिन आपके मसले हल नहीं हुए। हमें हमारी पार्टी के पतंग के निशान पर आरा नजीद को वोट दीजिए। आपके मुकामी मुद्दों की भी लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो भी सरकार वहां बनेगी उसका हम समर्थन। अरे उन बेवकूफों और नादानों के किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आगे डायलॉग कर ले। एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अब्दुल इमान, जनसंपर्क के दौरान आप अपने पैसे का आवाज में उनका काफी भव्य रूप से स्वागत किए, क्या कहेंगे इस अवसर पे? जी पहले तो आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अख्तरुल इमान साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे यहाँ आज आए और हम सबों ने मिलकर उनका जोश और खरोश से हमारे हजारों कार्यकर्ता उनके स्वागत में लगे हुए थे और सब में बहुत उत्साह है। और हमारे शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह वो हमारे क्षेत्र के हैं और हम सब ने मिजाज बनाया है, हिंदू मुसलमान जो भी है सब, उन लोगों का ये कहना है और हम भी ये कहना चाहते हैं कि बाहरी को वोट नहीं दें, जो हमारे हैं हमारे क्षेत्र के हैं हम लोग उनको जिताएंगे और भारी मतों से जीतेंगे। वो अख्तरुल इमान साहब जो भाषण दिए हैं, लगता है कि शिवहर के जनता पर उनके बातों का असर पड़ेगा? जी बातों का असर पड़ेगा। अरे हम लोग जीत रहे हैं,
हम लोग 2.5 लाख से ऊपर से जीत रहे हैं, कोई नहीं हम लोग के टक्कर में। आपके जो विरोधी है लगातार कह रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए आए हैं। अरे उसका काम है, कहने दीजिए, वो ऐसे ही कहते रहते हैं वोट काटने के लिए आए हैं। समझ में आया, आप ही देखे थे तेजस्वी जी का प्रोग्राम जो हुआ, उन्होंने क्या बोला, इंडिया को वोट दीजिए नहीं तो एनडीए को दीजिए, बी टीम वो है, हम लोग नहीं है। हमेशा तो आरोप आप लोग को लगता है कि बी टीम है आप। अरे उनको बोलना है बोलने दीजिए, अभी तो वही बी टीम हो गए हुए हैं। तो देश बचा रहे हैं, संविधान बचाने नहीं, वो सब कहने की बात है, देश बचा रहे हैं। देश बचाना था तो हम लोग को क्यों नहीं लिया गया साथ में, हम लोग नाराजगी नजर आ रहा है, टिकट नहीं मिलने से मुसलमान। क्यों नहीं नाराजगी है, हर मुसलमान नाराज है, हर जगह का मुसलमान नाराज है, नाराज क्यों नहीं रहेगा। पूरे बिहार में 2 मुस्लिम को टिकट दिया गया है, उसमें भी एक हमारे पार्टी के, उनको तोड़ करके लेकर गए और उनको वोट दिया गया है। इसका असर पड़ेगा चुनाव में, पूरा असर पड़ने वाला है, आप देख लीजिएगा। शिवहर की जनता से आप क्या अपील करेंगे? शिवहर की जनता हमारे मालिक है, हम लोगों के साथ है और अभी है और हमेशा रहेंगे। इस बार पतंग उड़ेगा, राणा रणजीत सिंह दिल्ली जाएंगे। ओवैसी साहब का भी सभा होना है 23 तारीख को, 23 तारीख को उनका सभा है, एकदम जोरदार से स्वागत होगा, ये मैसेज है और एकदम धूमधाम से होने वाला है। और देख लीजिएगा 23 तारीख को क्या होगा, जनसैलाब आएगा ढाका में, एकदम जनसैलाब आएगा। आपने आज ही देखा होगा क्या हाल है यहाँ का, अभी ढाका के धरती पर उनको उतरने दीजिए फिर पता चलेगा। जी जी बिल्कुल, बातों का असर होगा शिवर में, बातों का असर तो पहले ही हो चुका है, मुसलमानों ने अपना बना लिया, अपना मन बना लिया मुसलमानों ने कि हम अब राजद की गुलामी नहीं करेंगे, राजद का गुलामी नहीं। इस बार आप देखिएगा तेजस्वी यादव ने एक भी मुसलमान नेता को अपने हेलीकॉप्टर में जगह नहीं दिया। हमारी आबादी 18% 20%, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो है हमारे मुसलमानों का नेता का किसी का कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है। संविधान और देश खतरे में, इसलिए 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया। अच्छा अच्छा, पूरे संविधान और देश का खतरा बचाने के लिए सिर्फ मुसलमान बचा हुआ है जी, हमारा वोट ही लेने के लिए देश। और इतने सालों से 14 में कहे नहीं रोक पाए, 14 में नहीं रोके, 19 में नहीं रोके, और इस बार हम अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे। मुसलमान शिवहर का, मुसलमान शिवहर का जनता सिर्फ अपने क़यादत को मजबूत करने के लिए वोट करेगा। हम लोग जो है ये गुलामी का काम अब नहीं करेंगे, जिस तरह से हमारी हिस्सेदारी को तेजस्वी यादव ने छीनने का काम किया है, हम पुरजोर विरोध करेंगे और इस बार विरोध करके उनको दिखाएंगे कि मुसलमानों के बगैर बिहार की सत्ता या हिंदुस्तान की सत्ता नहीं चल सकती है, चाहे वो भाजपा हो या राजद वाले हो, कोई भी हो।